हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन दिस योर चैनल टेक्निकल फैमिली विद ब्लॉग। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों हो रही है बंद वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया सिम। तो गाइज, आप इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इसमें हम सारी जानकारी दे देंगे। तो बात कुछ ऐसी है गाइज की वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का जो लाइसेंस फीस था, लाइसेंस फीस जो बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया है, नियर अबाउट 13 अरब डॉलर, 13 अरब डॉलर के बराबर हो गया है, जो कि अगर हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 83,000 करोड़ रुपए के बराबर है। तो जिस वजह से आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन के जो चेयरमैन से उन्होंने कहा है कि अगर हमको सुप्रीम कोर्ट से और मोहलत नहीं मिलती है तो फिर ये फी हम अभी सबमिट नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा है कि उनके पास उतना पैसा नहीं कि वो फी सबमिट कर पाए। तो इस के बाद फिर जो वोडाफोन और आइडिया के चेयरमैन हैं, जो कि कुमार मंगलम है, उन्होंने कहा है कि जो पैसा है बहुत ज़्यादा है और इतना पैसा उनके पास है नहीं कि वो पैसे को सबमिट कर पाए, पैसे को जमा कर पाए, मतलब कि अपना जो कर्ज उनका बाकी हो जमा कर पाए। सो एट लास्ट हमको लगता है कि अगर वो सबमिट नहीं कर पाएंगे तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का जो सिम है बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम होगी कस्टमर को, तो कस्टमर को पहले से सतर्क रहना होगा कि ऐसा होने पर वो क्या करेंगे। तो गाइज, ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया कि आप तक ये बात हम पहुँचा दें। थैंक यू टू सी दिस वीडियो एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइज, बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू सी दिस वीडियो। ओके गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कंटिन्यू टू सी दिस माई वीडियो।